मध्य प्रदेश में सरकारी कारिंदों की लापरवाही से हर बार बारिश में बड़ी मात्रा में गेहूं खराब हो जाता है। इसके बावजूद सरकारें कुछ भी सीखने को तैयार नहीं होती। सिवनी में इस बार भी सरकारी सिस्टम की लापरवाही से गेहूं सड़ गया, जिसे चुपचाप ठिकाने लगा दिया गया है। देश में बेहतरीन क्वालिटी का गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ गेहूं की बम्फर पैदावार होती है। महाकौशल का सिवनी हमेशा बेहतर और उच्च क्वालिटी के गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। लेकिन हम जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, ये आपको गुस्सा दिलाने वाली हो सकती हैं। सड़े हुए सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल अनाज सड़ गया, जो अब किसी उपयोग के लायक नहीं रहा। अनाज की ऐसी तस्वीरें देखकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। बारिश की वजह से सड़ गए गेहूं को ठिकाने लगाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, जहां बारिश में भीगा लगभग 250 क्विंटल गेहूं जेसीबी से उठाकर ठिकाने लगाया गया। सिवनी के गणेशगंज सोसाइटी में 250 क्विंटल गेहूं बारिश में पानी में भीगकर सड़ गया, जिसके बाद इस सड़े हुए गेहूं से बदबू आने लगी। बदबू की वजह से आसपास के लोगों को काफी मुश्किलें होने लगी। ऐसे में इस गेहूं को हटाने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। सिवनी जिले के खरीदी केंद्रों में किसान के गेहूं का क्या हश हो रहा है, ये इन दृश्यों को देखकर समझा जा सकता है। ये दृश्य सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए भी पर्याप्त है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।